गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे। तो अभी जो है ना निकल चुके हैं क्लास अटेंड करने के लिए। तो आज का जो क्लास है वो यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही है। यूनिवर्सिटी के कैंपस में रहता है ना क्लास तो कोई लोचा नहीं है। आराम से जो है ना क्लास स्टार्ट होने के 10 मिनट पहले निकलो हॉस्टल से, और रहते तो यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही है, जो हमारा हॉस्टल यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही है। तो 10 मिनट पहले निकलो, क्लास में जाओ, आराम से बैठो। और वही क्लास जो है ना हॉस्पिटल में या फिर यूनिवर्सिटी कैंपस से बाहर अभी लगना स्टार्ट हो चुका है। फोर्थ एक्चुअली तो थर्ड ईयर से ही स्टार्ट हो जाता है यूनिवर्सिटी के बाहर जो है ना क्लास लगना, लेकिन अभी जो है ना लेकिन जो है ना ऑनलाइन की वजह से फोर्थ ईयर से, क्योंकि थर्ड ईयर तो ऑनलाइन में ही गुजर गया, तो फोर्थ ईयर से ऑफलाइन क्लास लग रहा है यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर। सबसे पहले यहाँ प्रपोज कार्ड लगा देते हैं, ये देखिए। तो अभी जो है ना फोर्थ ईयर से ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हुआ है। तो अभी जो है ना पता चल रहा है कि भाई यूनिवर्सिटी के कैंपस के बाहर जब क्लास लगता है हॉस्पिटल्स में, तो 1 से 1.5 घंटा तो आने जाने में ही टाइम ख़त्म होगा। पहले जाना भी पड़ता है, फिर लेट से घर आओ, और वही क्लास अगर यूनिवर्सिटी के कैंपस में लग रहा है तो अगर आधे घंटे का भी ब्रेक हो तो आराम से हॉस्टल में आओ, फिर ब्रेकफास्ट रेस्ट करके जाओ। तो अभी चलते हैं क्लास अटेंड करते हैं। तो आज का जो मेरा क्लास है ना यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं, अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो कितने सारे बिल्डिंग्स हैं, छोटे छोटे अलग अलग डिपार्टमेंट। जैसे ये सामने जो बिल्डिंग है ये है सर्जरी का, तो ऐसे ही आप देख सकते हो कितना सारा बिल्डिंग है। हर एक सब्जेक्ट का जो है ना अलग अलग क्लासेस लगते हैं। तो अभी जो है ना मेरा जो क्लासेस है वो सामने वाले बड़े वाले बिल्डिंग, मेरा जो क्लासेस है अभी सामने जो है ना एक UL के मेन बिल्डिंग है, वहाँ पर क्लास है। तो अभी चलते हैं फिर। तो आज जो है ना मेन बिल्डिंग में क्लास है, ये रहा मेन बिल्डिंग, अभी पहुंच गया। तो अभी चलते हैं फिर अंदर। है ना कल से स्टार्ट होगा लेक्चर सर्जरी का। तो सर्जरी का लेक्चर चलेगा, सर्जरी का लेक्चर जो है ना फ्राइडे और सैटरडे को चलेगा, और मंडे को जो है ना क्या होगा ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होगा। तो सैटरडे को तो वैसे क्या रहना चाहिए छुट्टी, लेकिन सर बोले ऑनलाइन है तो सैटरडे को जो है ना घर से ही अटेंड कर लो, उसके बाद जो है ना ऑफलाइन क्लास में जो है ना मैनेज कर लेंगे। तो हम बोले ठीक है भाई, ऑनलाइन ही तो अटेंड करना है, अभी रोड क्रॉस करना था ना, इसलिए रोड जो है हम देख के क्रॉस करो, वीडियो बना रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि अंधों ने कैसे भी रोड क्रॉस कर लो। तो मंडे से जाना है क्या ऑफलाइन क्लास प्रैक्टिकल, माने ऑफलाइन तो अभी भी चल ही रहा है, लेकिन अभी 2 दिन जो है ना ऑनलाइन होगा, सैटरडे सॉरी अभी जो है ना 2 दिन ऑनलाइन चलेगा, फ्राइडे और सैटरडे उसका। अभी जो है ना मैं सोच रहा हूँ कि हॉस्टल जो है ना आधे घंटे के बाद जाऊँ, यहाँ पे धूप जो है ना एकदम मस्त वाला है, तो जो थोड़ा यहाँ जो है ना धूप मस्त वाला है, तो अभी जो है ना मैं थोड़ा धूप सेकता हूँ। ये जो है ना पार्क है एक, जो कि हमारे यूनिवर्सिटी के सामने है, डीन ऑफिस है ना जस्ट उसी के सामने है। तो अभी गर्मी आ गया ना तो पार्क को भी जो है डेकोरेट करना यहाँ स्टार्ट कर देंगे। अभी कुछ दिन के बाद मैं आप लोग को दिखाऊंगा यही पार्क का जो है ना, जिस पार्क में भी मैं खड़ा हूँ इसी का रौनक चेंज हो जाएगा पूरा एकदम। इधर देखो इधर कुछ स्टेज वगैरह भी लगा जहाँ प्रोग्राम वगैरह होते रहता है, और अभी जो है ना चारों तरफ रोज लगाएंगे हर एक कलर का जो है ना, अभी जो है ना चारों तरफ रोज लगेगा हर एक कलर का। उसके बाद जो है ना चारों तरफ फ्लावर वगैरह सब कुछ लगाएंगे। अभी स्टार्ट कर दिए हैं काम, अभी मिट्टी वगैरह खोद रहे हैं, क्योंकि अभी तो स्नोफॉल ख़त्म हुआ है, तो स्नोफॉल में कहीं स्नो जमा है, कहीं मिट्टी पूरा दब गया है, तो अभी जो है ना सबको स्टार्ट कर दिए हैं रिनोवेट करना। और थोड़े दिन में पूरे सिटी में जो है ना क्या लग जाएगा, फ्लावर्स लग जाएंगे चारों तरफ, फिर जो है ना सिटी और पार्क जो है ना और भी अच्छा दिखेगा यहाँ का। यहाँ हर एक साल होता है, जब भी गर्मी का टाइम आता है ना तो सिटी को जो है ना पूरा एकदम मस्त बना देते हैं। तो अभी यहीं पर थोड़ा धूप सेकते हैं, और जो भी स्टूडेंट यूक्रेन से MBBS कर रहे थे अगर वो चाहे ना तो रशिया से भी अपना जो है ना आगे का पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं, जिस सेमेस्टर में उसी सेमेस्टर से जो है ना आप रशिया में भी अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि आपका आगे का पढ़ाई रशिया में कंटिन्यू हो तब। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे अप्लाई करना है, तो मेरा व्हाट्सअप टेलीग्राम और इंस्टा जो है ना डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ पर हमसे संपर्क कर सकते हो, मैं आपको बता दूँगा कैसे क्या प्रोसेस है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। अभी हॉस्टल वापस आ गया, अब चलते हैं कपड़ा वगैरह चेंज करते हैं,
आज का जो भी क्लास था वो कंप्लीट हो गया, और कल और परसों अब क्या होगा, ऑनलाइन क्लास। तो कल परसों जो है ना, क्या है, रेस्ट का दिन। बस लेक्चर चलेगा 2 से 2.5 घंटा लेक्चर होगा, उसके बाद टेंशन फ्री। और मंडे से फिर रेगुलर बेसिस पे ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी चलते हैं, फिर थोड़ा करते हैं क्या, रेस्ट। रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। अब है ना, मैं सोच रहा हूँ कि डेली तो पुष्किंस क्या स्ट्रीट पे वॉक करता हूँ, तो आज चलते हैं यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर, जहाँ 7 बजे तक जो है ना यहाँ पूरा उजाला ही था। तो अभी चलते हैं फिर हॉस्टल वापस, 7:30 हो गया। फिर अभी चलते हैं, खाना पीना बनाना है, फिर उसके बाद जो है ना पढ़ाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि अब क्या आ रहा है, सर्जरी, खिरूर की पढ़ना है, खिरूर रशियन में बोलते हैं। ये राम आई, वो बंद कर रखे भैया। ब्लॉग में ये खत्म करता हूँ और मिलता हूँ फिर आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।